गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है शाही सीरमल रोट बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं शाही सीरमल रोट बनाना। शाही सीरमल रोट बनाने के लिए हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। ये हमने नारियल लिया है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया था, ये एक टुकड़ा नारियल का है। और ये हमने 20-25 बादाम लिए हैं, इनको हमने बारीक कतरन में काट लिया है। और ये हमने पिस्ता लिया है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। और ये एक कटोरी से थोड़ी सी कम हमने सूजी ली है। और ये इलायची पाउडर लिया है, और एक बड़ी कटोरी हमने आटा लिया है। और ये एक छोटी कटोरी हमने बेसन लिया है, और एक छोटी कटोरी हमने बूरा ली है, और एक कप दूध, और ये देसी घी लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सॉस पैन लिया है, गैस को मैं ऑन कर दूंगी। सबसे पहले मैं सूजी को भून लूंगी। ये हमारी सूजी ब्राउन हो चुकी है, अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। सूजी मैंने इसे निकाल दिया है। जब तक ये मेरी सूजी ठंडी होती है, तब तक मैं पेड़े को भी भून लेती हूँ। इसी प्रकार से मैं आटे के साथ ही ये बेसन डाल दूंगी, इसे भी मैं साथ में ही मिक्स कर भून लूंगी अच्छे से। ये हमारा आटा और बेसन भी भून चुका है, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। गैस को मैं बंद कर दूंगी, और इसे भी मैं इस बर्तन में निकाल लूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इन दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ, तीनों को अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। आटा ठंडा हो चुका है ये। अब मैं इसमें घी डालूंगी। मैंने ये 2 बड़े टेबलस्पून घी डाले हैं, ये देसी घी डाला है मैंने इसमें। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी घी को। साथ में ही मैं इसमें बूरा डाल दूंगी, ये एक कटोरी बूरा है, ये छोटी वाली कटोरी है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। हमारे आटे में अच्छे से घी मिक्स हो चुका है। अब ये मैंने इलायची पाउडर लिया है 1/4 चम्मच। अब ये इलायची पाउडर भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। ये हमारा डो इस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि इसकी मुठियां बनने लगे। इस प्रकार से इसको दूध की मदद से आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे, और हमें ये थोड़ा सा टाइट डो तैयार करना है। ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। एक से 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। हमारा ये आटा रेस्ट करता है, तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने एक पुराना कुकर लिया है, मैं इसमें सीरमल रोट तैयार करूँगी। ये हमारा आटा, दोबारे से मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ आटे को। ये हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया से सेट हो चुका है। हमारा ये हमने 1 कप दूध लिया था, उसमें से हमारे पास इतना सा दूध बचा है। अब मैं इस डो के इतने बड़े पेड़े कर लूंगी। ये हमने पूरे आटे में से 4 पेड़े तैयार किए हैं। अब मैं एक पेड़ा इस पे रखूंगी। अब मैं इसे थोड़ा सा हाथ से इस प्रकार से दबाऊंगी, और फिर बेलन की मदद से इस प्रकार से बेल लूंगी। हमें ये थोड़ा मोटा ही रखना है, रोट थोड़े से मोटे ही बनते हैं। आरी को इस प्रकार से दबा देंगे, और अब हम हाथ की मदद से
इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये हमारा रोट बनकर तैयार है। इधर हमारा ये कुकर गरम भी हो चुका है। जो ये मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं इनको मैं मिक्स कर लूंगी इस प्रकार से। अब मैं इस रोट के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी हल्के हाथ से। आप चाहे ब्रश की मदद से लगा सकते हो। अब मैं इसे हाथ से उठाऊंगी और इस प्रकार से मैं इसे में ये ड्राई फ्रूट के अंदर रख दूंगी और ये हमारा रोट इस प्रकार से बनेगा। अब मैं इसे फिर से ड्राई फ्रूट में ऐसे ही रख दूंगी और जिधर मैंने ये पलटा है उधर मैं पानी, काफ़ी सारा पानी लगा लूंगी। हमारे कुकर में आसानी से चिपक जाए रोट। अब मैं इसे हाथ में उठाकर इस प्रकार लगा दूंगी। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, ये हमारा रोट लग चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पे ड्राई फ्रूट रख दूंगी और लगा चिपका दूंगी। बाहर से मैं अपने दूसरा रोट भी कुकर में लगा लूंगी। अपना ये दूसरा रोट भी इसी में लगा दूंगी इस प्रकार से। और अब मैं इनको सीकने दूंगी आराम से। चेक करते हैं ये हमारा सीरमल पककर तैयार हुआ है या नहीं। ये देखो कितने अच्छे से सीका है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। मैं अपने दोनों सीरमल रोट उतार लूंगी। तो इधर से भी बहुत अच्छा सीका है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी देखते हैं। ये हमारा कितने अच्छे से सीरमल तैयार हो चुका है। और से मैं दूसरा भी निकाल लूंगी। ये दोनों ही बिक चुके हैं। ये मैंने देसी घी को गरम किया है। अब ये सीरमल को मैं इसमें डिप कर दूंगी। इसे मैं दूसरी साइड से भी डिप कर दूंगी और इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। आगे ना, ये हमारा सीरमल रोट बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।